नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल स्टूडेंट सेक्शन पे। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा और हमारे साथ माननीय प्रिंसिपल सर है। सबसे पहले सर प्रिंसिपल सर आपका हम स्वागत करते हैं स्टूडेंट सेक्शन पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को मैं आशीर्वाद देता हूं और जहां तक हो सकेगा मैं आपके चैनल को हर संभव अपने स्तर से मदद करने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए सर, अभी दिवाली आने वाला है तो आप छात्रों के लिए छात्राओं के लिए दिवाली पे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अभी तो रिसेंट 4 दिन के बाद अब दीपावली महोत्सव होने वाली है और इस स्थिति में एक ठो कहावत है, सजग सजग मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और ये लोग अपने दीपक के तरह एक दूसरे को प्रकाशित करते रहें, अपने क्रांति से, अपने कांति से, अपने मेहनत से अपने घर द्वार महाविद्यालय का नाम रोशन करें। मैं इन लोगों को यही आशीर्वाद देना चाहता हूं और हर हमेशा आशीर्वाद मैं देता रहूंगा कि ये लोग डे बाय डे अपने कार्य पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहें। सर दिवाली और छठ का जो अवकाश है वो कब से कब तक है? दीपावली और छठ का अवकाश, दीपावली 12 तारीख को मनाया जा रहा है, दीपावली की छुट्टी 12 तारीख से ही होने वाली है और उस बीच में दीपावली और छठ की छुट्टी 21 नवंबर तक है। 22 तारीख से पुनः 22 नवंबर से महाविद्यालय फिर चालू हो जाएगी। सर आपके कॉलेज में क्या क्या कमी है? कमियां तो बहुत है। हाल ही में अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि बहुत सारा कमी मारवाड़ी महाविद्यालय में है। देखिए कमियां को अगर यदि हम उस ओर ध्यान देते हैं तो यहां तो खाली कमियां ही नजर मुझे आती है, लेकिन मेरे पास उतने फंड्स नहीं है जिसके चलते उस कमियों को दूर किया जा सके। सबसे पहले तो इस महाविद्यालय की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए फील्ड जो घास पात जमे हुए हैं उससे और महाविद्यालय की सूरत खराब होती है, उसको साफ सुथरा करवाना मेरा लक्ष्य है। उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छठ के बाद उसको मैं साफ सुथरा करवाऊँ और उसमें मिट्टीकरण का कार्य जो है वो मेरे स्तर से मेरे महाविद्यालय में जो फंड्स है उससे होना संभव नहीं लगता है। इसके लिए मैं महाविद्यालय की ओर से बिहार सरकार को लिखा हूँ लेकिन अभी तक हमको कोई ग्रांट मिला नहीं है और जब तक उसमें भारी ग्रांट नहीं मिलेगा तब तक उसमें हाथ लगाना महाविद्यालय के लिए संभव नहीं है, बहुत उसमें खर्च होंगे। यहाँ सर लगभग कितने बच्चों का सर नामांकन है आपके महाविद्यालय में? 11,000 लगभग लड़के का नामांकन है। 11,000 उसके अनुसार सर क्या प्रोफेसर की बहाली यहाँ फुलफिल है या फिर हाँ, कमी पद है? के अनुसार, पद के अनुसार सारे शिक्षक, गेस्ट टीचर और नियमित दोनों को मिलाकर के पद के अनुसार शिक्षक अवेलेबल है। और सर जो 75% वाला जो मामला आ रहा था उसके बाद एक कहा जाता है कि भवन का कमी, तो क्या सर आपके महाविद्यालय में भी भवन का कमी है? हाँ भवन की कमी है, भवन की कमी के लिए हम वह जो फील्ड एरिया हमारा खाली है जी। उसके लिए मैं प्राकलन तैयार करके विश्वविद्यालय भेजा हूँ, दो आर्ट वेल्डिंग बनाने के लिए, साइंस वेल्डिंग बनाने के लिए मैं प्राकलन तैयार करके विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया हूँ। अगर विश्वविद्यालय राज्य सरकार को भेजती है और राज्य सरकार से पैसे आने के बाद तुरंत मैं वो कार्य कराना मेरा काम है और जितना जल्दी होगा भवन तैयार करके मैं पठन पाठन चालू कराने का मेरा लक्ष्य है। और सर कोई विशेष मांग खासकर के मारवाड़ी महाविद्यालय जो कि इस एरिया के बहुत ही चर्चित महाविद्यालय है, तो क्या क्या मांग कर सकते हैं जो कि महाविद्यालय को जरूरी पड़ता है अभी? महाविद्यालय में सबसे बड़ी आवश्यकता है जो छात्रों की संख्या डे बाय डे बढ़ते जा रही है, सबसे पहले वर्ग कक्ष का होना बहुत आवश्यक है। काहे कि एक एक विषय में कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कि
हालांकि विश्वविद्यालय आदेश के अनुसार ही लड़कों का नामांकन है, फिर भी अधिक है। उसके अनुसार छात्र अगर आएंगे तो उनको बैठाना एक कक्ष में संभव नहीं है। इसके लिए हम प्राक्कलन तैयार किया है और उसके अनुसार से विश्वविद्यालय को मैं भेजा है और पैसे आ जाते हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे ये समस्या दूर हो। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे फंड आएंगे उस हिसाब से हर समस्या का समाधान करेंगे। अभी जो मैं महाविद्यालय में आया हूँ तो देखे हैं कि कबड्डी का जो बोर्ड बनाया गया है, जो कि मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुआ है सर अपने फंड से, क्या सर ये कहाँ तक सच्चाई है कि क्या आप अपने फंड से कबड्डी का निर्माण कराया, और ऐसा आपको क्यों लगा कि आपको अपना फंड से निर्माण कराना चाहिए? इसलिए कि अभी हमको कुंदन जी ने बताया, कुणाल जी ने बताया कि छात्राओं का कबड्डी का आयोजन विश्वविद्यालय स्तर पर होना तय हुआ है और प्रैक्टिस के लिए स्थान हमारे पास नहीं है, तो इन्होंने उस ओर ध्यान आकृष्ट किया तो महाविद्यालय अपनी कोच से उस कबड्डी कोर्ट को तैयार करने का प्रयास किया है और तत्काल अभी हम उसको तैयार किए हैं। बात बिल्कुल सही है सर, आप अपना कीमती समय देने के लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। अभी आप देख रहे थे स्टोन जैक्सन। दोस्तों अगर आपको मारवाड़ी कॉलेज के संबंधित कोई भी कमेंट हो, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।